हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, अगर आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, आप सीखना चाहते हो रिएक्ट, आप सीखना चाहते हो HTML, आप सीखना चाहते हो CSS, चाहे आप एक बिगनर हो या फिर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो, दोनों ही केस में आज हमारे पास बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज आपके लिए यार बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आगे चलते हैं, इस वीडियो को देखते हैं डिटेल में। और एक बात यार, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना, आराम से देखो, बिकॉज बहुत सारी प्लेटफॉर्म, बहुत सारे कोर्सेज मैं आज आपको शोकेस करने वाला हूं, जो कि ये सारे प्लेटफॉर्म, ये सारे कोर्सेज आपके लिए फ्री रहने वाले हैं, और काफी सब में आपको आज यहाँ पर सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यार, देखते हैं सारी डिटेल्स। और अगर वीडियो अच्छी लगे हो, आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, इससे कुछ भी आपको हेल्प मिले, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ यार शेयर जरूर से कर देना। अब चलते हैं आगे, एंड आपके सामने इस वीडियो का सबसे पहला प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और इसका नाम यार आता है स्क्रिम्बा। तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, आप देख सकते हो सामने हेडलाइन, लर्न रिएक्ट फॉर फ्री। सो दोस्तों, हमें यहाँ पर इतना तो समझ आ गया कि हमको यहाँ पर रिएक्ट फ्री में मिलने वाला है, लेकिन इसको कैसे एनरोल करवाना, क्या क्या टॉपिक यहाँ पर कवर हो रहा होगा और इसके अलावा और क्या बेनिफिट इस प्लेटफॉर्म से हमको मिलेंगे, अब इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। साथ ही मैं स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो में जो भी प्लेटफॉर्म, जो भी रिसोर्स, जो भी कोर्स कवर होने वाला है, वो सब आपके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं। किसी तरह का कोई भी प्रमोशनल कंटेंट इस वीडियो में कवर नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए काफी सारा डिटेल्ड कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर कोर्स में क्या क्या अवेलेबल है, सबसे पहले आप इस कंटेंट को देख लीजिए। बिल्ड अ रिएक्ट इन्फो साइट आप यहाँ पर बना रहे होंगे। आपको यहाँ बेसिकली 148 इंटरैक्टिव स्क्रीन कास्ट मिलने वाले हैं, मतलब 148 ऑन डिमांड वीडियो कंटेंट मिलने वाला है, और जो कि 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। पहला मॉड्यूल कौन सा आता है, ये आता है बिल्ड अ रिएक्ट इन्फो साइट। तो पहले में आप रिएक्ट का यूज करके एक इन्फो साइट क्रिएट कर रहे होंगे। सेकेंड, बिल्ड एन Airbnb एक्सपीरियंस क्लोन। Airbnb के बारे में आप जानते होगे कि Airbnb वही काम करता है जिस काम को ओयो करता है। ओयो की तरह ही वो कंपनी है और उसका इस एप्लीकेशन का आप क्लोन बना रहे होगे। तो इस सेकेंड मॉड्यूल में आपने Airbnb का क्लोन बना लिया। थर्ड में आप एक मीम जनरेटर क्रिएट करोगे, डेवलप कर रहे होगे विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट। सो दोस्तों, फोर्थ मॉड्यूल पे आने से पहले एक बात बताऊं, आपको लग रहा होगा कि यार मैं एक बिगनर हूं, मैं क्या डायरेक्टली रिएक्ट कर सकता हूं? अभी इसका भी आंसर आपको आने वाले एक मिनट के अंदर मिल जाएगा। तो देखो यार, सबसे पहले कवर कर लेते हैं जो लास्ट मॉड्यूल हमारा बचा है। अब यहाँ पर आपका फोर्थ मॉड्यूल आता है बिल्ड अ नोट्स ऐप एंड टेंसाइन गेम्स। दोस्तों, यहाँ पर आप ये गेम भी बना रहे हैं और नोट्स ऐप भी तैयार कर रहे होंगे। तो काफी ज्यादा इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं और ये सब आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग देने वाले हैं। तो ऐसे ट्यूटोरियल्स, ऐसे जो भी कंटेंट होता है, ये आपको प्रैक्टिकली हेल्प करता है किसी भी चीज को समझने में। अगर आप रिएक्ट के साथ नए हो तो आप उसको पढ़ भी रहे होगे, उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे होगे। तो ये एक अच्छी चीज होती है कि आप प्रोजेक्ट के साथ साथ किसी चीज को लर्न कर रहे हो। तो मैं तो इसको बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगा, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखने वाले हो। अभी तो आपने ये देख लिया कि क्या प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, लेकिन एक्चुअल में जो टेक्नोलॉजी है और जो रिएक्ट के टॉपिक्स हैं, उनमें आप क्या क्या कवर कर रहे होगे, ये अभी तक हमने डिस्कस करा ही कहा है। तो आप यहाँ पर देखो, आपको लोकल सेटअप करवाया जाएगा, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा दिया जाएगा कैसे आप सेटअप कर रहे होगे, JSX कैसे पढ़ रहे होगे, कस्टम कंपोनेंट कैसे बना रहे होगे। क्योंकि यार होता क्या है, एक बहुत ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ बहुत आसान शब्द में, जैसे कि आप ये वेबसाइट देख रहे हो। अब अगर मैं बोलता हूँ ये जो लेफ्ट ब्लॉक है और ये जो राइट ब्लॉक है, ठीक है, ये अनलॉक कोर्सेज वाला और ये लेफ्ट वाला, ये दो अलग अलग कंपोनेंट है। और ये जो पूरा पेज है, ये एक सिंगल पेरेंट कंपोनेंट है जिसके अंदर ये वाला लेफ्ट वाला कंपोनेंट और राइट वाला कंपोनेंट हमने एडजस्ट कर दिया है। यार रिएक्ट में और एंगुलर में जितना भी डेवलपमेंट आप करते हो वो कंपोनेंट बेसिस पर करते हो, तो इसीलिए आपको अपने यूजर डिफाइंड कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे जिसमें आप अपने हिसाब से जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो, जो भी डेवलपमेंट करना चाहते हो वो कर सको।
तो यहाँ पर आप अपने कस्टम कंपोनेंट्स कैसे बना सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसके बारे में भी आप यहाँ पर सीखने वाले हो। इसी तरह से रियूजेबल कंपोनेंट्स, मतलब कि एक ऐसी चीज जो कि 10 जगह यूज हो सकती है। अगर मैं बहुत आसान भाषा में एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ तो उसका ये मतलब हो गया, अगर एक बटन है, बटन आपकी एप्लीकेशन में यार 10 जगह यूज होगा। अब उस बटन पर लॉग इन भी हो सकता है, साइन अप हो सकता है, या फिर क्रिएट अकाउंट का बटन हो सकता है। इसी तरह से कितने सारे बटन हो सकते हैं, लेकिन आप एक कॉमन कंपोनेंट बना सकती हो, एक कॉमन कंपोनेंट बटन का बन जाएगा, उसके ऊपर सिर्फ टेक्स्ट और उसका एक्शन चेंज हो जाएगा। इस तरह की डायनेमिक चीजें भी आप इस पर्टिकुलर कोर्स में, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाते टाइम पर सीख रहे होके। तो यार ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, रेंडरिंग करना सीख रहे हो, आप की प्रॉप बनाना सीख रहे हो, स्प्रेंडिंग ऑब्जेक्ट सीख रहे हो, यूज स्टेट कैसे मैनेज करी जाती है, चेंजिंग स्टेट कैसे काम करता है, इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं। हर चीज तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना मैं बता देता हूँ कि बहुत ज्यादा पावर पैक्ड कोर्स आपको मिलने वाला है, जिसकी मदद से आप रिएक्ट बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे। तो ये तो बात हुई रिएक्ट के बारे में, और आप क्या क्या बनाने वाले हो, क्या क्या सीखने वाले हो। अब जो आपका क्वेश्चन था कि यार मैं एक बिल्कुल बिगिनर हूँ, मैं क्या डायरेक्टली रिएक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ, अगर मेरे को कुछ भी नहीं आता, अभी प्रोग्रामिंग में मैंने स्टार्टिंग भी नहीं करी है, तो क्या मैं रिएक्ट कर सकता हूँ? तो यार इसका सीधा आंसर है नहीं, एकदम से रिएक्ट स्टार्ट नहीं करना है। तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग आती है नहीं आती, वो तो एक बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है कि आपको जावा आती है, पाइथन आती है या नहीं आती, उस पे अभी हम ध्यान नहीं देने वाले, उनकी अभी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट पढ़ने भी नहीं वाली। लेकिन आपको वो स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट HTML, CSS और JavaScript के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और यही चीज़ यहाँ पर भी मैंशनड है। और उसकी भी आपको यार दिक्कत लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। वो क्यों नहीं है? बिकॉज ये जो दोनों कोर्सेज हैं, JavaScript और HTML एंड CSS, ये भी आपके लिए इसी कोर्स के साथ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करे गए हैं, आप इनको भी बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर रहे होंगे। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि आपको यहाँ पर सबसे पहले इन कोर्सेज को बिल्कुल फ्री में कैसे एक्सेस करना है। तो जब यार इस पेज पर आप आओगे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपके सामने ये बटन दिख रहा होगा अनलॉक कोर्स, तो आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा एक फॉर्म दिख जाएगा, जहाँ पर कि आपको बोलेगा कि यार साइन इन कर लो या फिर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लो। तो अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, सिंपल सा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद इस तरह से आपको अपना प्रोफाइल पेज दिखने लगेगा एंड ये बटन चेंज हो जाएगा गेट स्टार्टेड में। तो जैसे आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका पूरा कोर्स ओपन हो जाएगा और आप डैशबोर्ड में अपने कोर्सेज में जाके अपना कोर्स भी देख सकते हो। इसी तरह से अब आप वापस इस पेज पर अगर आ जाते हैं तो नीचे आपके लिए दोनों कोर्स मिलते हैं। अब इन पर आप क्लिक कर लो वन बाय वन, तो आप जावास्क्रिप्ट को ओपन कर लो एंड इसी तरह से HTML एंड CSS को ओपन कर लो। आप क्या करते हैं, मैं आपको अभी की अभी इनको अनलॉक करके दिखाता हूँ। तो अनलॉक करने के लिए क्या करना है, आपको बस इस पर क्लिक करना है, ये जैसे ही आपको बोलता है लॉगिन या साइनअप करो, आप लॉगिन या साइनअप कर लेना। उसके बाद जैसे आप रिफ्रेश करेंगे लॉगिन के बाद, तो ये गेट स्टार्टेड का बटन आ जाएगा एंड इस पर क्लिक करने के बाद आप अपना कोर्स अपने सामने देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से आप ये वाला कोर्स भी बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हो। और वापस से अपने अगर कोर्सेज में जाओगे तो आपको अपने कोर्सेज यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो ये इस तरह से बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप अपने कोर्स में एनरोल करवा सकते हो, बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो वेबसाइट है उसको कवर करते हैं, जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है उसको कवर करते हैं। तो सेकेंड हमारा प्लेटफॉर्म आता है स्केलर का। अब यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, किसी तरह का कोई भी प्रमोशन नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक बूट कैंप है, रिएक्ट बूट कैंप, जहाँ पर कि आप कुछ इम्प्लीमेंट करते हुए रिएक्ट को सीख रहे होंगे। सो अगर आप एक बिल्कुल बिगिनर हो, आपको इसको बिल्कुल आराम से बहुत कम टाइम में इसके साथ एक्सपोजर करना है, एक्सपीरियंस करना है कि यार रिएक्ट में किस तरह से एप्लीकेशन डेवलप होती है, अगर आपको लाइव डेमो देखना है तो ये एक बूट कैंप आपकी बहुत ज्यादा मदद कर देगा। वो क्यों करेगा, यार मैंने इसको क्यों इंक्लूड करा, ये किसी भी तरह का कोई भी कोर्स नहीं है जो कि आपको डिटेल्ड कंटेंट देने वाला है। लेकिन अगर आप एक बिगनर हो ना, तो आप इससे क्या बेनिफिट ले सकते हो, आप ये बेनिफिट ले सकते हो 19th of May को ये इवेंट होने वाला है, ठीक है, एक लाइव इवेंट होने वाला है जो कि 8 बजे से 11 बजे होगा। सिंपल क्या करो, इसमें रजिस्टर करवा लो, अटेंड करो और देखो यार रिएक्ट को किस तरह से ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरह की एप्लीकेशन बना रहे हैं। यार अगर वो एक्सपोजर भी आपको मिलता है तो उसकी मदद से आप जब फाइनली किसी भी कोर्स के थ्रू रिएक्ट सीख रहे होगे तो आपको समझ आएगा कि यार ये जो लर्निंग मैं कर रहा हूँ ये किस तरह से मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, किस तरह का प्रोजेक्ट मैं बना सकता हूँ और कितना इंटरैक्टिव और कितना कोड ऑप्टिमाइजेशन, सारे कंसेप्ट को कवर करते हुए आप इस नॉलेज को गेन कर सकते हो। तो देखो आपको इस पर्टिकुलर इवेंट में भी क्या क्या सिखाया जाने वाला है,
वो आप यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हो। 19th of May को ये इवेंट होने वाला है। जैसे यहाँ पर भी बोला गया कि प्री रिक्विजिट है कि आपको HTML CSS आना चाहिए, JavaScript आनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो अभी के लिए HTML CSS एंड JavaScript पढ़ लो, उसके बाद इनमें से इवेंट में और कोर्स में एनरोल करवा सकते हो। और साथ ही में आपके लिए यहाँ पर क्या बेनिफिट होने वाला है, आपको इस बूट कैंप का सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री में रहने वाला है। साथ ही में आपको यहाँ पर कुछ और भी प्राइजेस मिल सकते हैं, वो क्या है, आपको JBL का स्पीकर मिल सकता है, ईयरबड्स मिल सकते हैं और एक स्मार्ट वॉच मिल सकती है। आपको करना क्या रहेगा, सिर्फ इस इवेंट में रजिस्टर करवाना है और लाइव इस इवेंट को अटेंड करना है और जो क्विजेज होने वाले उनमें पार्टिसिपेट करना है। अगर आप उनका सही आंसर देते हैं तो आपको ये प्राइजेस मिल सकते हैं। तो यार ये प्राइजेस तो एक अलग ही डिफरेंट चीज हो गई, बट हमारा मेन फोकस ये नहीं है और ना ही हमारा कोई मेन फोकस सर्टिफिकेट से है। हमारा मेन फोकस है कि आप एक्सपोजर ले पाए, बिकॉज यहाँ पर भी आप एक एप्लीकेशन बना रहे होगे और यहाँ पर जैसे लिखा भी है बिल्ड अ प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो ये आपको बताएंगे समझाएंगे इस पर्टिकुलर बोर्ड कैंप में, इस पर्टिकुलर मास्टर क्लास पे कि कैसे आप रिएक्ट की मदद से एप्लीकेशन बना रहे होगे। आप चलते हैं हमारे अगले प्लेटफॉर्म की तरफ दोस्तों, एंड जो हमारा नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आता है उसका नाम आता है egghead.io। सो यहाँ पर आपके लिए दो कोर्सेज अवेलेबल हैं। पहला कोर्स अभी वो है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, एंड इस कोर्स अगर आप टाइटल देखते हैं तो क्या मिलता है, द बिगनर्स गाइड टू रिएक्ट। सो दोस्तों अगर आप एक बिगनर हैं तो एग हेड वाला जो कोर्स हम दो कोर्स डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहला कोर्स आपको यही करना है। क्यों करना है, बिकॉज ये बिल्कुल बिगनर वालों के लिए है जो रिएक्ट में स्टार्ट कर रहे हो, तो आप सबके लिए ये बिल्कुल फ्री में कोर्स अवेलेबल है। साथ ही में कोर्स का कंटेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको क्या क्या सिखाया जाने वाला है। आपको स्टार्टिंग में रिएक्ट का एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि यूजर इंटरफेस विद हेल्प ऑफ वेनिला जावास्क्रिप्ट कैसे बनाया जाता है, डॉम कैसे एग्जिस्ट करता है। डॉम से मतलब जितना भी पेज पर कोड रेंडर होता है HTML के एलिमेंट, CSS, जावास्क्रिप्ट, वो किस तरह से तैयार होता है, ये सब चीजें आप यहाँ पर सीख रहे हो। साथ ही में यूजर इंटरफेस की रिएक्ट की API कैसे काम करती है, इसी तरह से जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं रिएक्ट के आप इस कोर्स में कवर कर रहे हो। देन इसको कंप्लीट करने के बाद इसी प्लेटफॉर्म पर एक और कोर्स अवेलेबल है जो कि बिल्कुल फ्री में रहने वाला है, तो ये कोर्स भी आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। सिर्फ अपना अकाउंट क्रिएट करो और आप इन कोर्सेज को स्टार्ट कर सकते हो, देखना, कंप्लीट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट, कोई भी फीस आपको पे नहीं करना रहेगा। अगला कोर्स यार आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है डेवलप एक्सेसिबल वेब एप्स विद रिएक्ट। तो यहाँ पर आप जब बिगिनर वाला कोर्स कंप्लीट कर लोगे तब आप और एक्सेसिबल एप्स बना रहे होगे और एडवांस ऐप बना रहे होगे यूजिंग रिएक्ट। तो रिएक्ट का यूज करके और अमेजिंग एप्स और एडवांस लेवल की एप्स और एक्सेसिबल एप्स आप कैसे बना सकते हो, वो ये कोर्स आपको सिखाने वाला है। तो उसके बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं। देन हम मूव करेंगे हमारे अगले प्लेटफॉर्म की तरफ। सो दोस्तों हमारा अगला प्लेटफॉर्म आता है प्लूरल साइट। लेकिन यार यहाँ पर इस टाइम पर एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है आप सभी के लिए कि ये जो कोर्स है ये बिल्कुल फ्री में अवेलेबल तो है लेकिन आप सभी को अवेलेबल नहीं होगा। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ यार, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उसका रीजन बता देता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट मंथ जो कि अभी आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पर, जो कि 17th अप्रैल का वीडियो है, और इस वीडियो में एक प्लूरल साइट का ऑफर आया था जो कि नया ऑफर था, और उस ऑफर के थ्रू मैंने आप सबको बताया था कि प्लूरल साइट पर आप कैसे एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज अगर आप अभी प्लूरल साइट की वेबसाइट पर जाओगे और अपना अकाउंट क्रिएट करने का ट्राई करोगे तो वो अकाउंट पेड होता है, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। लेकिन इस वाली वीडियो में जो 17th अप्रैल को लास्ट मंथ हमने बनाई थी आप सबके लिए, उसमें एक तरीका था जिसकी मदद से आपने फ्री अकाउंट क्रिएट करा था। अब उसी का यूज करके हम इस वाले कोर्स को बिल्कुल फ्री में एक्सेस करने वाले हैं। बट यार जिसने वो वीडियो देखी थी और उस टाइम पर अकाउंट क्रिएट कर लिया था उनको क्या करना है, उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाना है, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आप इस कोर्स पर रीडायरेक्ट हो जाओगे और ये सारा कंटेंट आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो। हर तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जाना है रिएक्ट के थ्रू, रिएक्ट पाथ देखनी है कि रिएक्ट से वेब डेवलपमेंट करने की कंप्लीट पाथ क्या होती है, तो ये जो लिंक आपको दिख रहा है ना बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन विद रिएक्ट पाथ, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा कि और क्या क्या यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल है, उनको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यार सबसे पहले हिसाब से तो आपके लिए इतना कंटेंट बहुत है। अगर आप एक बिगनर हैं या फिर इंटरमीडिएट लेवल पर हैं तो सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेना,
उसके बाद अगर आपको और ज्यादा डीप में जाना है तो आप इस लेवल को भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको सबको पहले बता दिया, ये डिस्क्लेमर है उन्हीं सब लोगों के लिए है, उन्हीं सब ऑडियंस के लिए है जिन लोगों ने पहले वाली वीडियो की मदद से अपना प्लूरल साइट पर फ्री अकाउंट बना लिया था। तो अगर आपका अभी तक भी प्लूरल साइट पर फ्री अकाउंट नहीं है तो एक काम अभी आप क्या कर सकते हो, जो 17 अप्रैल वाला वीडियो है उस पर जाओ, उससे आपको हेल्प मिल जाएगा, आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो एक काम करना, नीचे कमेंट में लिख के बता देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा किस तरह से आपको प्लूरल साइट पर फ्री अकाउंट बनाना है। अगर वो ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है तो आप बना पाएंगे। आप 17 अप्रैल वाला वीडियो जाके देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा क्या प्रोसेस है, कैसे बनाना है। अब चलते हैं हमारे अगले प्लेटफॉर्म की तरफ। सो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आता है ग्लिच ब्लॉक। सो दोस्तों, यहाँ पर एक ब्लॉक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि आपको रिएक्ट में वेब ऐप बनाना सिखाया जाएगा, जो कि एक 5-पार्ट वीडियो कोर्स रहने वाला, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव कोड वाला एग्जाम्पल होने वाला है। यहाँ पर आप इन 5 वीडियो के थ्रू इस नॉलेज को गेन कर सकते हैं और ये सारी वीडियो बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, जैसे अभी आप देख भी सकते हैं। तो आपके लिए सिर्फ यहाँ पर इस ब्लॉग में इनको एक लाइन में बनाया गया है, इनको क्या कहते हैं ना, स्ट्रक्चर तरीके से आपको प्रेजेंट करा गया, जिससे कि आप डायरेक्टली इन वीडियोस पर जाके इस नॉलेज को एक्सेस कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब चलते हैं हमारे अगले रिसोर्स की तरफ। एंड जो हमारा अगला प्लेटफॉर्म आता है उसका नाम आता है कोड अकेडमी। एंड यहाँ पर आप रिएक्ट सीख रहे होगे तो ये कोर्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। साथ ही में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 आवर्स का टाइम आपको देना पड़ेगा अगर आपको ये कोर्स को कम्प्लीट करना है। तो क्या क्या चीजें आप यहाँ पर सीख रहे होगे, ये कंटेंट आप पूरा देख सकते हो, JSX सीख रहे होगे, React कंपोनेंट सीख रहे हो, कंपोनेंट्स इंटरैक्टिंग, लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं, हुक्स क्या होते हैं, स्टेटलेस कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एडवांस रिएक्ट तक भी आप इस कोर्स में कवर कर रहे होगे। और ये कोर्स भी आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, आप एक्सेस कर सकते हैं, किसी तरह का कोई भी पेमेंट आप यहाँ पर नहीं कर रहे होगे। अब चलते हैं हमारे अगले रिसोर्स की तरफ। सो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट रिसोर्स आता है फ्री कोड कैंप का यूट्यूब चैनल। एंड यहाँ पर आपके लिए एक 10 आवर का अमेजिंग वीडियो अवेलेबल है, जहाँ पर कि आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग तरीके से रिएक्ट सिखाया गया है। तो अगर आप यूट्यूब पर फ्री में फ्री कोड कैंप से नॉलेज गेन करना चाहते हैं, रिएक्ट के थ्रू कुछ एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो आप यार इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। काफी अमेजिंग कंटेंट है, बहुत अच्छी नॉलेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। और दोस्तों यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप कि यार आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये रिसोर्सेज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। क्या इन रिसोर्सेज आपकी हेल्प करी, नीचे कमेंट में लिख के बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी हेल्प मिली हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना, जिससे कि ऐसे ही और नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को अपने यार सभी दोस्तों के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग, बाय।